नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और शाम का समय हो रहा है, देखिए कितना अच्छे बादल आए हुए हैं। शायद अब बारिश हो जाए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बारिश का इंतज़ार हम लोगों का, शायद बारिश हो। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और अभी जिस समय वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो को, आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये शाम का वीडियो है और अब सवेरे के टाइम जब मैंने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट किया तब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखिए बारिश के कारण रेंडेनियम भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरा रेंडेनियम का प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हो गया बारिश के पानी से, और अब इसमें बड्स भी आ रही हैं। तो बारिश का पानी तो सभी पेड़ों के लिए बहुत काम करता है। देखिए कितना इन्जॉय कर रहे हैं मेरे प्लांट। अगर बारिश हो जाएगी तो और भी खुश हो जाएंगे, अभी तो बारिश के बिना ही हवा में इन्जॉय कर रहे हैं सभी प्लांट। बन ज़्यादातर अपने प्लांट थर्ड फ्लोर पर ला के रख गए हैं, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में धूप तो आती है पर इतनी धूप नहीं आती कि जो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश के कारण जो सॉइल गीली हो जाती है वो सूख सके, क्योंकि अगर पानी बरसता है उसके बाद धूप तेज़ निकल आती है तो सॉइल जब गमले की सूख जाती है ना, तो उसमें किसी भी तरह की कोई फंगस या पानी के कारण जो प्लांट ख़राब हो जाते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती। और आज शाम, ये शाम का वक्त है और सवेरे मैंने कई पॉइंट अपने प्लांट्स थे जो एक साल पुराने हो गए थे उनकी मैंने रिपोर्टिंग की है। बहुत ज़्यादा उनमें रूट बॉन्डिंग हो गई थी, कोशिश काफ़ी दिन से कर रही थी पर इतनी गर्मी है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता था। और ये देखिए मैंने ये एक हिबिस्कस का प्लांट है पिंक कलर का, इसकी रिपोर्टिंग की है। गुलाब की रिपोर्टिंग की है, गुलाब की रिपोर्टिंग मैंने इसलिए क्योंकि मैं जब इसको लाई थी मैंने इसकी पूरी उसकी सॉइल ही निकाली थी, फिर सॉइल निकाल के मैंने इसको रिपोर्ट किया है। और ये देखिए कुछ सफाई भी गार्डन की थी मैंने, तो यहाँ मैंने सारा अपना जितना भी मेरे कटिंग से कोकरो प्लांट थे और रियो वगैरह सब मैंने एक साइड कर दिए, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा अंदर भी रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। और प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो रही है अभी, तो ये मेरा पूरा फैला हुआ है हर श्रृंगार का प्लांट मैं लेके आई हूँ। ये काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हो रही है इसकी, देख सकते हैं आप, काफ़ी बिग प्लांट हो गया है ये मेरा। एक साल पुराना प्लांट है, जब मैं लाई थी उसे सिंगल स्टेम का था, और अब इसकी मैं प्रूनिंग करूँगी। जब मैंने इसको उठाया ना, देखिए इसने अपना गमला खुद ही छोड़ दिया और ये पूरा का पूरा इसी तरह निकल आया। गर्मी में मैंने इस प्लांट की मल्चिंग के लिए इसमें टर्टल वाइन लगा दी थी ताकि ज़्यादा इस सूखे ना, खुद दिन धूप में रखा रहता था इसलिए इसके लिए ऊपर मैंने मल्चिंग के लिए ये टर्टल वाइन ग्रो कर दी थी। देखिए टर्टल वाइन हटाने के बाद तो आराम से हट जाती है, इतना ज़्यादा गहरी भी इसकी रूट्स नहीं होती हैं इसलिए इससे प्लांट को कोई डैमेज भी नहीं होता। पर अब देखिए आप इसको कितनी किस तरह ये रूट बाउंड हो चुका है एकदम। ये देखिए अब प्लांट, ये मेरा रूट बाउंड था, मुझे इससे पता चला क्योंकि जब भी आप, अगर आपको एक प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो जब से आप पानी देते हैं ना तो तुरंत ही पानी ड्रेनेज होल से बाहर आ जाता है। इसका मतलब है कि आपके प्लांट की रूट पूरी तरह सट चुकी हैं, वो एकदम बॉल बन चुकी हैं, तो हमें उस प्लांट को तुरंत ही रूट बाउंड हो चुका है उसको हटा लेना चाहिए। फिर इस प्लांट को मैंने कुछ अपने जो किचन गार्डन से बेस्ट निकलता है उसकी फर्टिलाइज़र मिला के अच्छे से बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया। इसकी थोड़ी थोड़ी मैंने रूट्स भी ओपन की थी और जितनी भी इसके साथ टर्टल वाइन निकली है उसको अभी एक साइड रख दिया है। कुछ उसमें से छोटे छोटे पॉट में लगा के उसकी हैंगिंग बनाऊँगी, हैंगिंग बास्केट बना लूँगी। टर्टल वाइन की हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छी लगती हैं, तो फ्री में मुझे हैंगिंग बास्केट में मिल गई। बस ये उतना ही वीडियो था, और बाकी वीडियो अभी सवेरे का है जब बारिश होकर थोड़ी सी बंद हुई है। तो देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हुआ, ये देखिए मेरे श्रृंगार के पॉट का अब रिपोर्ट करने के बाद इसमें बारिश का पानी मिल गया, तो ये भी काफ़ी हेल्दी रहेगा। अब बारिश बार बार रुक रुक के तेज़ी से आ रही है, फिर आ रही है बारिश, तो सभी प्लांट काफ़ी हेल्दी चल रहे हैं। मैंने एक ज़ोरा का प्लांट भी अपना रिपोर्ट किया था, वो भी काफ़ी अच्छा है, ये देखिए श्रृंगार का प्लांट। तो रिपोर्ट करें आप प्लांट, और अगर बारिश मिल जाना तो बहुत अच्छा होता है। एक ज़ोरा का प्लांट, ये भी एक साल का हुआ था, इसकी रूट इसी तरह बाउंड हो गई थी। गर्मी के कारण कुछ वीडियो बन पाता है, कुछ वीडियो क्लिप छूट जाती है। देखिए हिबिस्कस का प्लांट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बात है कि ना हिबिस्कस और एक ज़ोरा का प्लांट की तो लीफ नहीं गिरी, पर श्रृंगार ने अपनी काफ़ी लीफ गिरा दी हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे हिमेलिया का प्लांट कितना हरा भरा हो गया पुशीना, अगर मैं इसकी रूट नहीं खोलती ना तो ये शायद सूख के ख़राब भी हो गया होता, और बारिश का पानी मिलने के कारण काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो गया। ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट में मेरी अच्छी ग्रोथ आ गई, पर ये जो बिना बुलाए मेहमान हमारे गार्डन में आते हैं ना उसकी नई ग्रोथ चट कर गए,
इतनी मुश्किल से प्लांट ग्रो हुआ था और उन लोगों ने आकर उसको खा डाला। तो इस सीज़न में कैटरपिलर बहुत परेशान करते हैं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।